नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल पर आपका स्वागत है। हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर। खुशखबरी क्या है कि बिहार सरकार ने 94,000 शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि फॉर्म आपके 15 जून से फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है कि जो बिहार सरकार ने एक वैकेंसी जारी की है 94,000 अध्यापकों की, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि जो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि डी एल एड किए हुए जो छात्र हैं 18 माह तक, मतलब डी एल एड करने के 18 माह उनके भी पूर्ण नहीं हुए हैं, और जो टी ई टी और सी टी ई टी मतलब सी टेट जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, तो उनके लिए ये वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, एक काम और कीजिए, आप सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये आपके 15 जून से 14 जुलाई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, जो इसकी तैयारी की जाएगी, मतलब जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी 18 जुलाई 2020 तक, और जो इसका नियोजन किया जाएगा, अनुमोदन किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा, वो 21 जुलाई 2020 तक किया जाएगा, और इसका जो प्रकाशन है मतलब पब्लिश कर दी जाएगी 23 जुलाई 2020 तक ही पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर किसी को आपत्ति होती है मेधा सूची मतलब मेरिट लिस्ट पर, तो वो 24 जुलाई से 7 अगस्त तक इस पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसका निराकरण कर दिया जाएगा, वो मतलब जो 10 अगस्त तक है वो उनका जो जितनी भी समस्याएं होंगी उनका सभी का निराकरण कर दिया जाएगा, और अंतिम प्रकाशन जो होगा वो 12 अगस्त को होगा। जिला द्वारा पंचायत जो मेधा सूची का अनुमोदन होगा वो 13 अगस्त से 22 अगस्त तक होगा, और नियोजन इकाई द्वारा जो सार्वजनिकरण होगा मेरिट लिस्ट का वो 25 अगस्त को होगा, और आवेदन के साथ जो प्रमाण पत्र हैं उनका संलग्न किया जाएगा वो 28 अगस्त को, और लास्ट मतलब जो आपका सारे जो काम ख़त्म हो जाएंगे वो 31 अगस्त तक सारे काम ये ख़त्म कर दिया, मतलब 31 अगस्त तक आपको पता चल जाएगा कि आपको जॉब मिल गई या फिर नहीं मिली। ठीक है, तो चलिए मैं आपको और जानकारी देता हूँ इसके बारे में कि जो तो दोस्तों अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो टोटली डिपेंड किस पर होगा, वो मेरिट पर डिपेंड होगा। ठीक है, मैंने आपको इम्पोर्टेंट डेट बताई दी है, फीस इसकी अभी तक फाइनल नहीं हुई है, 15 जून से जैसे ही ये फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैंने आपको बताई दी है, 94,000 वैकेंसी है जो डी एल एड किए हुए छात्र हैं टेट और सी टेट क्वालिफाई। इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 37 वर्ष तक है, जो कि 1 अगस्त 2020 को कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, वैकेंसी डिटेल की बात करें तो प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसी है वो 42,606 हैं, मिडिल स्कूल टीचर की जो है वो 28,638 हैं, बेसिक एजुकेशन टीचर की हैं 391, हायर सेकेंडरी टीचर की हैं 32,916, और कंप्यूटर टीचर की हैं 10,000 वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आपके लिए। एक बात और है, किसी भी स्टेट का कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारा आपके लिए आज सरप्राइज़। ठीक है ना, तो आप कैसा लगा आपको ये सरप्राइज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी समस्या आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए, और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए जो जॉब्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपके लिए तैयार मतलब जो है आपको तुरंत आपको उसकी सूचना दे सकें। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ये फॉर्म आपको जरूर भरना है।